लॉकडाउन खुलने के बावजूद राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वीडियो मैसेज के जरिए बताया कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टियां अब 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। शिक्षकों को भी इस दौरान अवकाश रहेगा, जबकि स्कूल खोलने पर अब जुलाई के पहले सप्ताह में ही कोई फैसला लिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने कॉलेजों में 10 जून तक और स्कूलों में 15 जून तक की छुट्टी की थी। हिमाचल उच्च शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां जारी रखने का प्रस्ताव पिछले कल ही शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को भेज दिया था। इस पर मंगलवार को फैसला हुआ है। हिमाचल में अब 30 जून तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये अवकाश मानसून और गर्मियों की छुट्टियों के कोटे में एडजस्ट होगा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में 24 मार्च के बाद जो है लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 के बाद जो है वो 31 मई के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा जो है वो अनलॉक 1 प्रारंभ किया गया है, यानी अब धीरे धीरे जो है वो हमको अपनी गतिविधियां प्रारंभ करनी है। कुछ बिजनेस एक्टिविटीज प्रारंभ हो गई हैं, विकासात्मक गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी नहीं की गई हैं। उसके लिए लॉकडाउन फेज 1, लॉकडाउन फेज 2, लॉकडाउन फेज 3 इस प्रकार से जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा गाइडलाइंस बनाई है, और उन गाइडलाइंस में शैक्षणिक संस्थान कब खुलेंगे इसके बारे में विचार जुलाई के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून तक सभी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो बंद रहेंगी। टीचर्स की जो नॉर्मल वैकेशंस होती हैं वो वैकेशंस कॉलेज में 10 जून तक थी, उन्हें एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है, और स्कूलों में 15 जून तक थी, उन्हें एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया गया है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मंडोत्रा।